चल तो आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। समझ में आ रहा है ना? स्रोत का मतलब इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की क्या चीज, स्रोत। ठीक है, अब स्रोत जो है अपना संविधान में क्या हुआ, अलग अलग देशों से अलग अलग तरीके का क्या लिया गया, तो स्रोत संविधान के लिए अंगित किया गया। ठीक है, अच्छा अब देखो, करे जब हमारे देश में संविधान बन रहा था तो लगभग 60 देशों को पढ़ा गया, यानी अपने देश को संविधान बनाने के लिए क्या किया गया, 60 देशों को सूची तैयारी की गई। ठीक है, अब उसमें से इन 60 देशों में से 10 देशों को चुना गया। 60 देशों में से कितना देश को चुना गया, तो 10 देश को चुना गया। बता, समझ में आ रहा है? अच्छा अब देखो, अब यहाँ पर करा 60 देशों संविधान की सूची जिसमें से 10 देशों को चुना गया। अब पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, पहला सूची क्या है, भारत संविधान अधिनियम 1995 में लाया गया। ठीक है, 1935। अब करा लगभग 250 उपबंद, उपबंद यानी एक तरीके के अनुच्छेद बोल सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल बोलते हैं इंग्लिश में। समझ में आ रहा है? लगभग 250 आर्टिकल्स और कितना अनुच्छेद बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या कहता है, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, यानी पहला अधिनियम क्या है, तो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, फिर दूसरा अधिनियम जो है शक्ति विभाजन की 3 सूचियाँ, शक्ति विभाजन के भी सूची का अधिनियम लाया गया है। ठीक है, जैसे शक्ति को कैसे, पावर को कैसे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल, तीसरा सूची में क्या है, तीसरा अधिनियम में क्या है, तो तीसरा अधिनियम है राज्यपाल की कार्यकाल। ठीक है, चौथा है प्रशासनिक व्यवस्था, यानी प्रशासन की एक ढांचा तैयार किया गया है। ठीक है, फिर ध्यान दो, पांचवा जो है न्यायिक का ढांचा, न्यायपालिका का ढांचा, जैसे न्यायपालिका मतलब न्याय दिलाने का, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर क्या चीज, ग्राम पंचायत या ग्राम न्यायालय भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है, सबसे लोअर पर ग्राम न्यायालय होता है, फिर अपना क्या होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर अपना हाई कोर्ट, और सबसे बड़ा कौन सा कोर्ट होता है बोलो, सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया? चलो फिर देखो, अब दूसरा जो ढांचा अंकित किया गया है उसका नाम है संविधान के स्रोत। ठीक है, और ये सारे चीज कहाँ से, तो अलग अलग देशों से लिया गया। ठीक है, संविधान के स्रोत ये जो है लिया गया इंग्लैंड से, कहाँ से, इंग्लैंड से, ब्रिटिश से, ब्रिटिश संविधान, इंग्लैंड बोलो या ब्रिटिश संविधान बोलो, इंग्लैंड या ब्रिटिश संविधान से अंकित किया गया। समझ में आ रहा है? पहला जो है एकल नागरिकता, यानी एकल नागरिकता का मतलब हो गया हम लोग जिस देश में रह रहे हैं, यानी हमारे पास जो भी आधार कार्ड है उस पर क्या लिखा रहता है, इंडियन सिटीजनशिप लिखा रहता है, यानी एक ही नागरिकता, यानी एक ही इंडिया का नागरिकता मिलेगा और पूरा स्टेट में हम लोग घूम सकते हैं। समझ में आ रहा है? स्टेट में यानी एक ही नागरिक, लेकिन अमेरिका में जब जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर 2 नागरिकता लेना पड़ेगा, 2 सिटीजनशिप, पहला क्या स्टेट का पहले लेना पड़ेगा, फिर दूसरा क्या लेना पड़ेगा, कंट्री का। समझ में आ रहा है? तो अमेरिका का अलग रूल है। ठीक, तो अपना जो कौन सा नागरिकता है बोलो, एकल नागरिकता, हाँ, अपना देश के जो संविधान में है वो क्या लिखा हुआ है, सिटीजनशिप को क्या मिलेगा, तो एकल नागरिकता मिलेगा। ठीक, चलो फिर अपना है संसदीय व्यवस्था, तो संसदीय व्यवस्था का मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम, देखो क्या है, जैसे कि इस व्यवस्था में क्या रखा गया है, तो भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होंगे, यानी संघीय व्यवस्था में क्या रखा गया, भारत के क्या होंगे, एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री। ठीक है, तो कहाँ से लिया गया, ये लिया गया इंग्लैंड से, कहाँ से, यानी ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, भारत के क्या होंगे, तो एक भारत में एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होंगे, कि दो होंगे, एक ही राष्ट्रपति होते हैं और एक प्रधानमंत्री, तो संसदीय व्यवस्था होगी। ठीक है, अब ध्यान दो, द्विसंसदीय व्यवस्था क्या होता है, द्विसंसदीय व्यवस्था करने का मतलब जहाँ पर दो व्यवस्था हो, इसको बोलते हैं बाइकैमरल सिस्टम, जैसे कि भारत में लोकसभा और क्या चीज, राज्यसभा, तो दो व्यवस्था, तो पहला एकल व्यवस्था, दूसरा, ये सॉरी, पहला क्या था अपना, एकल नागरिकता, दूसरा
संसदीय व्यवस्था और तीसरा द्विसदनीय व्यवस्था। ये सब तीन जो है व्यवस्था जो है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन। हाँ, ब्रिटेन के, ब्रिटिश या ब्रिटेन या इंग्लैंड, ठीक है ना, के संविधान से लिया गया। ठीक, फिर देखो विधि का शासन, विधि का मतलब हो गया लॉ, रूल, ठीक है ना। लॉ क्या है? देखो कोई गरीब या अमीर हो, सबके लिए कानून बराबर होगा। जैसे कि मान लो कोई रिच आदमी कोई क्राइम कर दे रहा है और कोई गरीब आदमी क्या कर रहा है, क्राइम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो काफ़ी धनी का या काफ़ी बड़ा आदमी है तो उसके लिए वो रूल कैंसिल कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर सबके लिए जो कानून जो बनेगा, विधि जो बनेगा, सबके लिए क्या होगा, तो इक्वल होगा। समझ में आया? चलो तो क्या हम लोग पढ़े, चौथा विधि का शासन। पांचवा देखो एकल न्यायिक प्रणाली, यानी एकल न्यायिक प्रणाली क्या, एकल का मतलब सबसे पकड़ो, एकल का मतलब होता है एक होता है, और न्यायिक का मतलब क्या होता है, न्याय दिलाना, ठीक है, ठीक है, यानी जुडिशियल। तो एकल न्यायिक प्रणाली का मतलब क्या, राज्य में एक ही हाईकोर्ट होगा। यानी पांचवा जो हम लोग रूल पढ़ रहे हैं ये क्या कहता है, राज्य में एक ही न्याय, एक ही क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। यानी जितने भी स्टेट है, कितने स्टेट है भारत में, 28, वेरी गुड, 28 है। तो राज्य में जो है कितने होंगे, बोलो कितने हाई कोर्ट होगा, एक ही होगा, ठीक। चलो फिर छठा जो देख रहे हैं, कह रहे लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक प्रतिनिधित्व। देखो अब समझो प्रतिनिधित्व जिम्मेदारी, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक प्रतिनिधित्व जिम्मेदारी। यानी लोकसभा के जितने भी प्रतिमंडल है उसका क्या रहेगा, एक तो सामूहिक जिम्मेदारी रहेगा, ठीक है। सामूहिक क्या है, यहाँ समझो एग्जांपल, जैसे कि देखो अब जूम करते हैं, जैसे कि अगर कोई मंत्री ने, ध्यान दो इधर, देखो इधर ध्यान दो, अगर कोई मंत्री ने भाषण दिया वह दूसरे मंत्री से इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई मंत्री भाषण दे दिया तो दूसरा मंत्री क्या नहीं कर सकता है, उसे इनकार नहीं करेगा। समझ में आया? क्या समझी, समझा, मतलब क्या समझी, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई मंत्री भाषण दिया और दूसरे मंत्री से, और दूसरा मंत्री क्या नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता है, बोल। दूसरे मंत्री से इनकार नहीं कर सकते, दूसरे मंत्री इनकार नहीं, दो बात समझ आ रहा है। एक तो हो सकता है कि वो भाषण दिया, हाँ, तो दूसरे मंत्री को भी कई भाषण देने के लिए बुला लेगा, पहला चीज। एक हाँ, तो हुआ कि वो भाषण दिया, हाँ, तो दूसरा मंत्री उसको इनकार नहीं कर सकता। वेरी, तो मतलब हमको पहला यही समझ में आ रहा है कि वो भी भाषण देगा, दूसरे जो वहाँ बगल में बैठे रहेंगे उनसे भी बोलेगा आप भी कुछ बोलिए, ऐसा है क्या? चलिए राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की पद की क्या औपचारिक प्रधानता, ठीक है ध्यान, राष्ट्रपति की पद की औपचारिक प्रधानता क्या है? जैसे कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा का समान होगा, औपचारिक तरीका, यानी भारत के जो राष्ट्रपति होंगे उनको क्या किया जाएगा, तो ब्रिटेन के राजा के समान के अनुसार क्या किया जाएगा, उनको दर्जा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो राष्ट्रपति क्या होगा, तो ब्रिटेन के राजा का सम्मान के जैसा है माने जाएंगे, ठीक है। फिर देखो विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। विधि के मतलब ही होता है लॉ। देखो कोई की वर्ड जो है मान लो हिंदी में नहीं समझ में आया तो इंग्लिश से कैच करो तो समझ में आ जाएगा। तो लॉ का मतलब क्या, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। जैसे कि अब समझो एग्जाम्पल से पकड़ेंगे, जैसे जैसे कोई कानून, ध्यान जूम करते हैं, जैसे कोई कानून पहले लोकसभा और राज्यसभा में जाएगी, कोई भी कानून बन रहा है इंडिया में, ठीक है ना, तो पहले कहाँ जाएगा, तो पहले लोकसभा, एलएस का मतलब लोकसभा और आरएस का मतलब राज्यसभा, ठीक है, में जाएगा। उसके बाद वहाँ 2/3 बहुमत से पास होगा, यानी वो जो बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, 2/3 अगर बहुमत मिले, यानी 2/3 बोलते हैं इंग्लिश में, बहुमत से पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति का साइन, राष्ट्रपति साइन करेंगे तब क्या होगा, वो कानून बनेगा। समझ में आ रहा है? यानी राष्ट्रपति के साइन से ही कानून बनेगा, कब, जब 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा तब, तो, ठीक है। चल
अवा। नाइन देखो क्या करा, अग्रता की विजेता। अग्रता का मतलब क्या होता है, जिसमें सबसे ज्यादा वोट मिले। अग्रता का मतलब क्या होगा, सबसे ज्यादा वोट मिले। अब हाँ, यानी अपने भारत में क्या, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वही विजेता बनेगा। मान लो तुम्हारा वोट कम आ गया तो तुम हार जाएगी, विजेता नहीं बनेगी। ठीक है, तो जिसका वोट ज्यादा होगा उसी का सरकार बनेगा, वही विजेता होगा। ठीक, चलो अब आते हैं आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड भी अपना कोई कंट्री है, और ये सब अलग अलग देशों से अलग अलग तरीके क्या किया गया है, स्रोत लिया गया है, और उस सारे स्रोत को क्या किया गया है, सोर्स को अपने संविधान में अंकित किया गया। ठीक है, यानी 60 देश के लिस्ट बनाया गया, जिसमें से 10 देश को चुना गया। याद नहीं करना है, देखो सबको कनेक्ट करके पड़ेगी तो याद रहेगा। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखो एक चैप्टर ही है, एक चैप्टर है, लेकिन हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, एक चैप्टर है बहुत बड़ा। कर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी इंग्लिश में बोलते हैं DPSP। ठीक है, और एग्जाम में आ जाता है कभी कल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DPSP। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका फॉर्मूला मत पढ़ाने का आदत हो गया, कोई बात नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव क्या होता है, डी फॉर डायरेक्टिव, पी फॉर प्रिंसिपल, एस फॉर स्टेट, और पी फॉर पॉलिसी। समझ में आ रहा है, तो DPSP का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। क्या होता है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बोल रहा है, पॉलिटी में अर्थमैटिक घुसा रहा हूँ। चलो ध्यान दो इधर, CPSP को रहा है, DPSP होता है। ठीक है, चलो नीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, राज्य के नीति निदेशक। हाँ, हाँ राज्य के नीति, तो पूछ लेगा एग्जाम में राज्य के, यहाँ पूछ लेगा DPSP किस देश से लिया गया भारतीय संविधान में, तो क्या बोलना है, आयरलैंड के संविधान, तो याद रहेगा। चलो अब नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है, राज्यसभा। हाँ राज्यसभा, राज्यसभा 12 सदस्यों में मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रसभा 12 सदस्यों का मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा, यानी राष्ट्रसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत का मतलब क्या होता है, अपने तरफ से, अपने मन से। ठीक है ना, ये राष्ट्रपति द्वारा रखे जाएंगे, तो कौन कौन से फील्ड होंगे, ध्यान दो, कला से, एक कला से लिया जाएंगे एक नंबर में, दो नंबर में क्या करा है विज्ञान से, तीन नंबर में सामाजिक सेवा से, चार नंबर में क्या करा है साहित्य से। देखो अब ये मत समझना जाए कि ये सबको काउंट कर रहे हैं, 3 और 2 कितना, 5 1 6 और 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। यानी ये मत समझना 10 हो गया तो इधर 12 लिख दिए, ऐसा बात नहीं है। हो सकता है कला से कितना हो जाए, कला से 2 ले लिया जाए, विज्ञान से कितना, 4 ले लिया जाए। ठीक है, ये कोई निर्धारित नहीं किया गया, मतलब ये सारा फील्ड में से सदस्यों को चुना जा सकता है। समझ में आ रहा है, चलो देखो अब यहाँ थर्ड क्या कर रहा है, कर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का क्या, एक निर्वाचक मंडल, ऐसे पद्धति, देखो निर्वाचक मंडल नहीं मोड इसे समझना। हाँ, राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक निर्वाचक, मतलब ऑलरेडी चुने गए सदस्य होते हैं, वही राष्ट्रपति को चुनने का काम करते हैं, मतलब कि जो जनसंख्या है, आबादी है, जनता, वो डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनती है, इनडायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति को चुनती है। देखो अब देखो यहाँ पर समझो, मतलब ठीक है, अभी निर्वाचक मंडल मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा ले सकते हैं, जैसे कि मान लो राष्ट्रपति तुमको बनना है चाहे हमको बनना है, तो उसका रूल है। ठीक है, वो सारे रूल को फॉलो करना है, उसके बाद ही बनना है। ठीक है, तो देखो क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा ले सकते हैं, देखो लोकसभा, राज्यसभा से जीते हुए सदस्य, यानी वैसे सदस्य, वैसे मेंबर जो लोकसभा से भी जीते हुए हों, राज्यसभा से भी सदस्य। अब क्या रहा, कह रहा है राज्य के विधानसभा के जीते हुए सदस्य, यानी राज्य के क्या चाहिए, विधानसभा के भी जीते हुए सदस्य, उन्हीं को अधिकार है क्या बनने का, तो राष्ट्रपति बनने, नहीं राष्ट्रपति बनाने का, हाँ राष्ट्रपति बनाने का। ठीक, चलो वेरी गुड, हमसे ज्यादा पढ़ी है। चलो अब यहाँ आते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान के व्यवस्था।
देखो अभी हम लोग पढ़े इससे पहले किस कौन से संविधान से? आयरलैंड। पहला कौन सी से? पहला इंग्लैंड। वेरी गुड। दूसरा? आयरलैंड। तीसरा? ऑस्ट्रेलिया। हाँ, तो अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन सी व्यवस्था अपने संविधान में अंगित किया गया है? चल तो क्या करें, प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा मतलब? मतलब कि हमारा प्रीएम्बल है, प्रस्तावना जो है वो हाँ। पूरे संविधान को बताता है कि कैसा है, बस वो मात्र 10 लाइन का होगा, तो उसके भाषा को लिया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल अब क्या करा, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जैसे कि पहले 47 था, फिर क्या हो गया प्रेजेंट में तो 52। ठीक। चल केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में संबंध कैसा रहेगा, तो ये जो लिया गया कौन सा संविधान से? तो ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया का। ठीक। चलो अब क्या कर रहा है, संसद के दोनों सदनों की व्यवस्था। संसद के दोनों सदनों की व्यवस्था, और दोनों सदनों मतलब संसद की दो सदनों की व्यवस्था का मतलब बताओ, क्या बोल रहा है? बोलो। शायद राज्यसभा विधानसभा, यही। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे क्या है, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक क्या करे, एक मिनट, ये इसी में है, ज्वाइंट है। संसद में दोनों सदनों की व्यवस्था की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक बिल पर किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई। आर्टिकल क्या चाहिए, 108 के तहत। समझ में आया ना? फिर देखो नेक्स्ट, शक्तियों का विभाजन। अब हम लोग देखेंगे, एक मिनट, हाँ। फिर इसी में क्या है, 5 जो है, यानी कनाडा के संविधान से इसी में क्या लिया गया, 5वां जो अंकित किया गया, शक्तियों का विभाजन, शक्ति का विभाजन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, याद नहीं करना है, एक बार दो बार तीन बार पढ़ेगी ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, समझते हुए पढ़ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग आते हैं, ये कौन सा कंट्री हो गया? कनाडा। कौन से नंबर पे आ गया? 4। कनाडा कौन से नंबर पे आ गया, बोलो? 4 आ गया। चलो तो 4th नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं कनाडा, और कनाडा का संविधान से क्या क्या अंगित किया गया, ध्यान दो। इधर देखो, संघीय शासन व्यवस्था यानी फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। फिर देखो सशक्त केंद्र, यानी जो स्ट्रॉन्ग क्या रहेगा, सेंटर रहेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सशक्त केंद्र। ठीक है, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, यानी करें राज्य में जितने भी राज्यपाल होंगे उनको नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति करेंगे। समझ में आ रहा है? फिर कनाडा के संविधान। हाँ, ये सब कनाडा के संविधान से, स्टोरी के जैसे समझते जाना है, या नहीं करना है। राष्ट्रपति के, सॉरी, अमेरिका के संविधान से, तो हर एक कोई जानता है जनरली, अमेरिका के संविधान से मूल या मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट बोलते हैं। ठीक है, एक मूल कर्तव्य होता है, फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये सब में क्या, ये नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, मूल कहो मौलिक कहो, एक मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट दोनों क्या है, अलग है। ठीक है, तो मूल या मौलिक अधिकार इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट, एक किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से। फिर देखो प्रस्तावना का विचार। प्रस्तावना का विचार जो है आइडियल ऑफ प्रीएम्बल, किस देश से, तो अमेरिका से। राष्ट्रपति महाभियोग, अब ये महाभियोग है, इसको थोड़ा सा राष्ट्रपति महाभियोग क्या करे, वे प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति, सॉरी, वे प्रक्रिया जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। देखो ये महाभियोग क्या है, यानी ऐसा प्रक्रिया जिसके इस्तेमाल से राष्ट्रपति और जिसके इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश जज होते हैं, हाँ, उनको हटाने का एक प्रक्रिया है, यानी हटाने का क्या एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ठीक है, यानी जजों को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके पद से निष्कासित कर, हाँ, उनके पद से निष्कासित कर सकते हैं। कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से। बताओ कितना अच्छा अच्छा बात लिखा है, इसके लिए उपबंध भी है कैसे निष्कासित, हाँ, सब है, बहुत स्टोरी है, लेकिन
एग्जाम क्वालिफाई करना है, लाइफ क्वालिफाई नहीं करना है, समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन अच्छा लगता है डीपली समझना। ठीक है, तो टाइम रहेगा तो समझना, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ो, लाइफ नहीं। ठीक है, ओके ओके, चल। फिर एक क्या है, न्याय स्वतंत्र तथा निडर, यानी ये जो महाभियोग है मतलब स्वतंत्र रूप से, अभी नहीं कि डरे हुए हैं, ठीक है ना, उसके बाद क्या कर रहे हैं, मतलब कि बिना डरे। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी ये आर्टिकल है अनुच्छेद, हाँ, में, अनुच्छेद क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है, तो डरे हुए हम नहीं हटा सकते। हाँ, कोई अलग कोई हटा सकते, हाँ, जो उसके मेंबर है, ठीक है, चलो, जो उस पोस्ट पे है। न्यायिक पूर्णलोकन क्या होता है, पूर्णलोकन का मतलब होता है रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, रिव्यू का मतलब हो गया, मतलब इंग्लिश से इसे पकड़ो, रिव्यू का मतलब हो गया फिर से कहते कोई को दोबारा व्यू करना है, यानी रिव्यू, पुनरावलोकन, हाँ, पुनरावलोकन, पूरा पूरा दिखाना, ठीक है ना। देखो, न्यायिक पुनरावलोकन से तत्पर है, तत्पर है न्यायिक, सॉरी न्यायालय, उस शक्ति, उस शक्ति है जिसे जिसे शक्ति के बल पर, एक मिनट एक मिनट, न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य है विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, कहाँ चल गया जी, हाँ फिर से, न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य है न्यायालय की उस शक्ति है जिस शक्ति के बल पर विधायिका द्वारा बनाए कानून, कार्यपालिका, जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासनों द्वारा किए गए कार्यों को जांच करती है और वह मूल ढांचे को अनुरूप या अनुरूप है या नहीं, ठीक है, ये देखती है, समझ में आया? मतलब कि इसमें इसका न्यायिक पुनरावलोकन में बेसिकली विधायिका और न्यायपालिका का काम होता है। हाँ, वो स्टेट को, सिटी को देखती है। हाँ, कि अच्छे से चल रहा है कि नहीं, चल रहा नहीं, उसके मूल ढांचे को देखती है। देखो, और फिर क्या है, एससी एवं एचसी, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, समझ में आया ना। फिर देखो, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, कहाँ से लिया गया है, ये सब अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के संविधान से, एक यानी उपराष्ट्रपति, एग्जाम में आएगा उपराष्ट्रपति पद जो है कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो क्या बोलना, अमेरिका, ठीक है। अब देखो, लोक जनहित याचिका क्या होता है, इसका मतलब, अब देखो ये भी आएगा, लोक, एक मिनट, लोक जनहित याचिका कौन से देश से लिया गया, तो अमेरिका से, भारत में इसके जनक कौन है, तो पीएन भगवती। हाँ, पीएन भगवती, वेरी गुड, यानी पीएन भगवती जो है भारत के, इसके क्या है, तो जनक है। जापान के जापान के संविधान की व्यवस्था, अब हम लोग पढ़ेंगे जापान के संविधान से क्या का व्यवस्था जो अपने संविधान में अंकित किया गया, ठीक है। तो देखो, आर्टिकल 21 वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब ये देखो होता क्या है, यह संसद द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन करके कोई कानून पारित करती है, यह संसद द्वारा उचित प्रक्रिया का करती है, पालन करने के बाद कोई कानून पारित करती है, समझ में आता है, आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक। अब दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से अपना दो लिया गया, समझ में आया। देखो, पहला जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी इसमें संविधान संशोधन भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो, आर्टिकल 368 के तहत राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन ये कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। अब देखो, रसिया से बात करते हैं, यानी रूस से, यानी टोटल कितने, 10 देशों से लिया। हाँ, 10 देश। अच्छा, तो हम लोग कितने देश पढ़ लिए, कितने पढ़ लिए, कनाडा यानी 4, कनाडा तक 4 आए थे, 5, 6, 8, 9, 10 यानी 10, रूस जो हो गया अपना 9 है, ठीक है, 9 नंबर, 1 मिनट, 8 नंबर, हाँ 8 नंबर पे, ठीक है। रूस, देखो, मूल कर्तव्य याद रखना, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, यानी मूल कर्तव्य जो है कहाँ से, तो रूस से, और फंडामेंटल
राइट अमेरिका अमेरिका से वेरी गुड। देखो अब आगे अब यहाँ प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श ठीक है रूस हाँ पंचवर्षीय योजना कहाँ से रूस से ये सब एक चैप्टर भी है ठीक है पंचवर्षीय योजना फ्रांस फ्रांस से क्या लिया गया है तो फ्रांस से लिया गया गणतंत्रात्मक व्यवस्था ठीक है कौन सा व्यवस्था होना चाहिए गणतंत्रात्मक ठीक है प्रस्तावना प्रस्तावना भी लिया गया फ्रांस से जैसे कि स्वतंत्रता समानता बंधुत्व यानी सब स्वतंत्रता का मतलब आजादी यानी इंडिपेंडेंस समानता का मतलब सब किसी को क्या दिया जाएगा समान कदर वेरी गुड बंधुत्व यानी फेडरलिटी समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं जर्मनी एक मिनट चलो अब यहाँ का नेक्स्ट जर्मनी यानी दसवां जो अपना कंट्री है जर्मनी है और ये जो है इस यहाँ से लिया गया इस देश के संविधान से लिया गया आपातकाल जिसको इमरजेंसी कहते हैं ठीक है नोट में देखो क्या कर रहा है यहाँ ध्यान दो आपातकाल में आपातकाल के समय मूल अधिकार 20 व 21 को छोड़कर बाकी सभी फंडामेंटल राइट को राष्ट्रपति द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है यानी कह रहा है जितने भी राइट्स हैं जितने भी अधिकार हैं ठीक है 20 और 21 को छोड़कर यानी देश में कोई ऐसा इमरजेंसी आ जाए ठीक है ना समझ में आ रहा है उस वक्त ये सब एक्ट लगता है ठीक है यानी ये सब जितने भी फंडामेंटल राइट है वो क्या कर दिया जाता है ख़त्म कर दिया जाता है ठीक है कुछ टाइम के लिए और कौन से तो 20 और 21 को केवल छोड़कर समझ में आया चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो रिविजन करना है।